चैप्टर नेम इज इंडियन गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 7 इंडियन गवर्नमेंट। अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सरकार, है ना। गवर्नमेंट मींस ए बॉडी विच गवर्न्स अ कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट मींस वो एक बॉडी जो पूरी एक कंट्री को गवर्न करती है, ठीक है, मतलब उसको कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं गवर्नमेंट। फर्स्ट यू हैव टू फिल दिस, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, RAJENDRA, राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड, वेन डिड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उन्हें प्रेसिडेंट कब बनाया गया था? 1947। नेक्स्ट, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम? मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पहले जवाहर, देन लाल, देन नेहरू, है ना। पहले जवाहर लिखना है, फिर लाल, फिर नेहरू। ऐसे नहीं कि आप जवाहर नेहरू लिख लो फिर लाल लिखो। ये दोनों एक साथ ही लिखने, जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल, ये दोनों एक साथ मिक्स कर देना, देन नेहरू अलग। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हर कंट्री में कुछ रूल्स होते हैं, है ना, जो नॉर्मल पीपल को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। द कंस्टिट्यूशन, अपने कंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। द कंस्टिट्यूशन इंक्लूड्स द रूल्स एंड लॉस दैट गवर्न एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। एक बुक होती है, एक है ना रूल बुक, अपन रूल बुक कह सकते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ रहता है, रूल्स और लॉस, ठीक है। सारे रूल्स लिखे हुए रहते हैं जो हर पर्सन को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जितने भी रूल्स और लॉज है हर पर्सन को वो फॉलो करना पड़ेगा। वो चीजें किसमें लिखी हुई रहती है, कंस्टिट्यूशन में। इंडिया हैज अ रिटन कंस्टिट्यूशन। इंडिया, इंडिया के पास क्या है, एक रिटन कंस्टिट्यूशन है, मतलब एक बुक टाइप है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए रिटन फॉर्म में। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया किसमें डिवाइडेड है, 29 स्टेट्स। सबको बताइए, ऑब्वियसली सब सारे स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन हो गए हैं स्टूडेंट, उनको पता है कि इंडिया कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। सिंस इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, वन गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू एडमिनिस्टर इट। ये हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, है ना। तो ये ऑब्वियसली क्या है, एक बड़ी कंट्री है, है ना, एक स्प्रेडेड कंट्री है, फैली हुई कंट्री है, है ना। इसलिए एक गवर्नमेंट काफी नहीं है इसको एडमिनिस्टर करने में या फिर इसको गवर्न करने में, ठीक है। पूरी कंट्री को सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट होती है, है मतलब, ठीक है, कौन कौन सी वो पढ़ते हैं अपन। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट, ठीक है। तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का, उसने क्या प्रोवाइड कर रखा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को गवर्न करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री को संभालेगा,
ठीक है, और उनके पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अभी जो अभी लॉकडाउन लगा था, ठीक है, अभी जो अपने कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन लगा था, उसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मतलब मेन डिसीजन किसका था? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहले सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा गया कि आप लॉकडाउन लगा सकते हो, तो ठीक है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिस सेंड किया था कि हम लॉकडाउन लगाएं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस सेंड करती है या फिर वो कंट्रोल करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एंटायर कंट्री, ये मैंने अभी आपको बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को देखती है ना, पूरी कंट्री की टेक केयर करती है। इट मेक्स द लॉस दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन इन द कंट्री। ये क्या बनाती है? लॉस बनाती है जो कंट्री के हर पर्सन पर एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब वो फॉलो करना पड़ेगा उसको। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द कंट्री एंड इट डील्स विद इश्यू दैट कंसर्न द एंटायर नेशन। अब कुछ ऐसे नेशनल इश्यूज भी आते हैं, ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री के साथ अपनी वॉर हो रहा है, मतलब लड़ाई हो रही है ना, वॉर क्रिएट हो गया, तो उसको कौन डिफेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डील करना पड़ेगी इस चीज को। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द यूनियन टेरिटरीज। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और किसको देखती है? यूनियन टेरिटरीज, जो 7 यूनियन टेरिटरीज है ना, उनको भी कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट सॉरी, द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब लॉज और रूल्स बनाना अपने अपने स्टेट्स के लिए, वो कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। ये मैंने आपको बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंफॉर्मेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जब भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नीड होती है तो उनको कौन हेल्प करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पूरी कंट्री को देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और अपने अपने स्टेट्स को देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी, द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, अब गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मेक्स लॉस, द एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्रेसिडेंट एंड हिज अपॉइंटेड ऑफिसर इम्प्लीमेंट द लॉज एंड द जुडिशरी एंश्योर्स दैट लॉज आर नॉट वायलेटेड और मिसयूज। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या हो गया इसमें? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या हो गई? लेजिस्लेचर। ठीक है, जो क्या बनाती है? लॉज क्रिएट करती है, लॉज बनाते हैं, है ना, जितने भी कानून होते हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव, अब ये जो लॉज बना है अब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ जितने भी उनके साथ जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं वो क्या करते हैं? लॉस को मतलब एग्जीक्यूट करवाते हैं, है ना, लॉस को फॉलो भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है? वो क्या इंश्योर करती है कि लॉस मतलब कोई जो रूल्स है उनको तोड़ तो नहीं रहा है। ठीक
है ना, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं सब, पूरी कंट्री अच्छी तरह रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उसको चेक करना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डिटेल में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। हमने तो नॉर्मली पढ़ा था फर्स्ट पेज पे, है ना, ये नेक्स्ट पेज आ गया है पर द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की हेल्प से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है ना। पार्लियामेंट में दो हाउसेस रहते हैं, मतलब आप दो पार्ट में डिवाइडेड है, बेटा आपकी बुक ओल्ड होगी दर्शना, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। हाँ, तुम्हें क्या बता रहा था, पार्लियामेंट दो हाउसेस में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा, दोनों के बारे में पढ़ते हैं अपन क्या है। द लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, अंडरलाइन दिस वर्ड, लोकसभा को और क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, अंडरलाइन दिस वर्ड। सिंस इट कंप्राइजेस मेंबर्स वो हैव बीन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अपन जो हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है, लोकसभा, क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें कौन से लोग रहते हैं, कौन से मेंबर्स रहते हैं, जिनको हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, हमने इलेक्शन देके उनको मेंबर बनाया है ना, वो पर्सन होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस, इसे और क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, अंडरलाइन दिस वर्ड, सॉरी। कल्याण, चलो। इट इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस, इसको कौन प्रिसाइड करता है, मतलब कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, स्पीकर, जिनको किसने इलेक्ट करा है, किसने सेलेक्ट करा है, मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, जो लोकसभा है उनके जो पर्सन है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको, वो किसको सेलेक्ट करते हैं, एक स्पीकर को, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स, अंडरलाइन दिस वर्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड ऑल्सो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताती है कि जो लोकसभा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 552, ठीक है, 552 मेंबर्स हो सकते हैं, किसमें, लोकसभा। ये अंडरलाइन इसलिए करवा रहा हूं कि मैं कभी भी पूछ सकता हूँ कि लोकसभा को और क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, और क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, कितने पर्सन, कितने मेंबर्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 552। एनी इंडियन सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन इन द लोकसभा इफ ही और शी इज मोर देन 25 years ओल्ड, ठीक है। कोई भी पर्सन लोकसभा के लिए मतलब खड़ा हो सकता है, अपन कहते हैं ना इलेक्शन में खड़ा हो गया, ठीक है, तो कोई भी पर्सन वो कॉन्टेस्ट में खड़ा हो सकता है, मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अगर 25 years से बड़ा हो, ठीक है। इफ सक्सेसफुल ही और शी विल बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है
मतलब वो उसको अगर इलेक्ट कर लेते हैं लोग, तो वो क्या बन जाता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड, कि वो अगर सिलेक्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अमोंग देमसेल्फ एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब जितने भी 552 मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, एक पर्सन को, करना है क्या पढ़ रहे थे अपन, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं इनको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, एमपी, है ना, एमपी। मैं अगर कल पूछूं आपसे कि एमपी का फुल फॉर्म, तो आप सबको पता होना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। या फिर कभी भी पूछूं तो क्या होना चाहिए, आना चाहिए आपको आंसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द एमपीज इलेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अमोंग्स देमसेल्स एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब मैंने आपको बताया था कि कांग्या स्पीकर, ठीक है, स्पीकर पूरे जो लोकसभा है उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसको सिलेक्ट कौन करता है, लोकसभा के मेंबर्स। ठीक है, तो जो 552 मेंबर्स है वो सब मिलकर क्या करते हैं, एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं उनमें से एक, ठीक है, उसको क्या बनाते हैं, स्पीकर। ओके, तो इसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, लोकसभा में, लोकसभा को और क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, है ना, और क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, है ना। लोकसभा को एग्जीक्यूट कौन करता है, स्पीकर, है ना। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, स्पीकर को भी कर लो एक अंडरलाइन। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 552, है ना। कोई भी पर्सन खड़ा हो सकता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्या बनता है, एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और ये साथ जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक क्या बनता है, स्पीकर। ओके, सारे अंडरलाइन कर लिए सारे, मैं क्योंकि रफ कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट इज राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को और क्या कहा जाता है, अपर हाउस। अगर लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर चूजन बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जितने भी स्टेट असेंबलीज होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं वो किनको सिलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या करता है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक है, दे आर जनरली फेमस पीपल लाइक इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट नेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सोशल साइंस और स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, वो पर्सन फेमस होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट होते हैं वो, ऑथर्स होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट, और कोई मतलब वर्ल्ड के बड़े नेम्स, ठीक है, या फिर स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, अपने इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, अपने इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। द मेंबर ऑफ राज्यसभा
आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? 6 इयर्स की, ठीक है। 6 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होता है और फिर वो सिलेक्ट किए जाते हैं। आफ्टर एवरी 2 इयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड, ठीक है। अब हर 2 साल बाद क्या होता है, उसके कुछ 1/3 पर्सन, मतलब कुछ पर्सन क्या होते हैं, रिटायर होते हैं 2 साल बाद, ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं, क्लियर। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है ना। मेन मेन चीजें क्या है इसमें, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। अपने इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। कितने इयर्स के लिए ये इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स? 6 इयर्स के लिए, ओके। 2 इयर्स के बाद कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं और उनकी जगह न्यू मेंबर्स आते हैं। ये 3-4 पॉइंट थे इसमें, ठीक है। अब पढ़ते अपन नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट। नाउ अब आपको क्या लगता है कि मतलब अपनी कंट्री का इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बट ऐसा नहीं है, अपनी कंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? द प्रेसिडेंट। अपनी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? द प्रेसिडेंट। बेटा सब तो क्लियर है, वॉइस सबको तो आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? बेचना प्रेसिडेंट, अपनी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट ही क्या होता है, अपनी कंट्री का हेड होता है। ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। वेट, ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। जितने भी आर्मी आर्मी के जो रहते हैं, ठीक है, आर्मी जो है उसके सुप्रीम कमांडर भी कौन रहता है? प्रेसिडेंट। ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करता है? दोनों हाउसेस के मेंबर्स, ओके, दोनों हाउसेस के मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं, है ना। ही सर्व्स अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। कितने इयर्स के लिए वो सिलेक्ट किए जाते हैं, कितने इयर्स के लिए उनको चुना जाता है? 5 इयर्स के, ठीक है। इतना ही है ये प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट कौन हुआ, अपनी कंट्री का हेड, और आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भी कौन है? प्रेसिडेंट, है ना। इसको सिलेक्ट कौन करता है? दोनों हाउसेस के मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, है ना। कितने सालों के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है? 5 इयर्स के लिए, कि अंडरलाइन कर लो आप 5 इयर्स। ओके, सो टुडे वी आर एंडिंग द क्लास। नाउ इस चैप्टर को प्रॉपरली रीड करना है ना, कल मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ जो आज पढ़ाया मैंने, ना ना कल अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो टुडे वी आर एंडिंग द क्लास। चैप्टर प्रॉपरली रीड करना है।